इनकम टैक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, और हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में अपन लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू और उसके बाद में एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू का अध्ययन किया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नगर पालिका करों को अपन ने घटा दिया, और घटाने के बाद में उसको कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद में अब थोड़ा और अपन इस चैप्टर में आगे चलते हैं। एनुअल वैल्यू में से कुछ डिडक्शन और दिए जाएंगे, और वो डिडक्शन देने के बाद में जो राशि आती है वो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करने के लिए आपको शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कुछ कटौतियां और देनी होंगी। तो अपन उनको देख लेते हैं कि वो कटौतियां कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले कटौती आती है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ऐसी स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन ने वेतन शीर्षक में से की आय में से भी दी थी, और यहाँ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। वेतन शीर्षक में आप लोगों ने 50,000 की कटौती दी, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती अपन दे रहे हैं शुद्ध वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर। शुद्ध वार्षिक मूल्य या वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर ये कटौती दी जाएगी। इस कटौती को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यय करना आवश्यक नहीं है, ये कटौती दी जाएगी, अतः प्रत्येक दशा में दी जाती है। परंतु यदि किसी मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य नेट एनुअल वैल्यू शून्य हो अथवा माइनस में हो, तो फिर ये कटौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि शून्य का 30% शून्य ही होगा, और ऋणात्मक राशि को मानक कटौती के लिए शून्य ही माना जाता है। तो इन परिस्थितियों में आप ये कटौती नहीं देंगे, अन्यथा ये कटौती देनी है अपने को। तो ये पहली कटौती हुई शुद्ध वार्षिक मूल्य में से। अब उसके बाद में दूसरी जो कटौती है वो है उधार ली गई पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर मकान के संबंध में, मकान के निर्माण के संबंध में, या फिर उसके मरम्मत के संबंध में, या उसके रिनोवेशन के संबंध में इंटरेस्ट दिया गया है लोन के ऊपर, तो ब्याज की कटौती दी जाएगी। ब्याज की कटौती के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो इस तरह से हैं, जिनको अपने को ध्यान में रखना है। उसमें सबसे पहले आता है केवल साधारण ब्याज की कटौती दी जाना, केवल सिंपल इंटरेस्ट की कटौती दी जाएगी। ब्याज दो तरह का हो सकता है, साधारण ब्याज भी हो सकता है, चक्रवर्ती ब्याज भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। तो ब्याज की जो छूट अपन देंगे वो केवल सिंपल इंटरेस्ट की या साधारण ब्याज की छूट देना है, ये बात ध्यान रखनी। दूसरे पॉइंट के अनुसार क्या करना है अपने को, कि दलाली या कमीशन की कटौती नहीं दी जाएगी। लोन लेने के लिए अगर कहीं कोई दलाली या कमीशन दिया गया है तो उसकी छूट नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है ध्यान रखने वाली बातों का, मकान तैयार होने से पूर्व की अवधि के ब्याज की कटौती। मकान का निर्माण होने से पहले के ब्याज की कटौती किस तरह से दी जाए। आप लोग इस बात को जानते हैं कि मकान बनाने के लिए लोन लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, और फिर वो मकान एक दिन में तो तैयार होता नहीं है। बैंक से तो जब आप लोन ले लोगे तो लोन लेते ही इंटरेस्ट की गणना शुरू कर देगा बैंक,
आपने लोन लिया और मकान एक साल बाद में या 6 महीने बाद में, सामान्य रूप से 2-3 साल बाद में मकान तैयार होता है, तब तक ब्याज आपके लगता जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मकान का निर्माण किस गत वर्ष में कंप्लीट हुआ है। मकान का निर्माण जिस गत वर्ष में कंप्लीट हुआ है, उस गत वर्ष से पहले का जो ब्याज है उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, मकान के निर्माण से पहले का गत वर्ष। मकान के निर्माण का जो गत वर्ष है उससे पहले का ब्याज कितना, उस गत वर्ष का नहीं, गत वर्ष से पहले का ब्याज कितना है उसकी कैलकुलेशन करेंगे और उस ब्याज की फिर 5 किस्तें बना लेंगे। पूरे ब्याज की गणना डिवाइडेड बाय 5, 5 किस्तों में छूट दी जाएगी और पहली छूट उसी गत वर्ष में दी जाएगी जिस गत वर्ष में मकान बनके तैयार हुआ है। तो जिस गत वर्ष में मकान बनके तैयार हुआ है वहाँ पर 2 तरह के ब्याज की छूट दे रहे हैं अपन, मकान के निर्माण से पहले के ब्याज की 5 किस्तों में से पहली किस्त की छूट दे रहे हैं एक तो, और एक जिस गत वर्ष में मकान बनके तैयार हुआ उस गत वर्ष का अब कितना ब्याज है उसकी छूट देंगे। तो 2 तरह की छूट आपको देनी है ब्याज के संबंध में, तो ये अच्छी तरह से जान लें और कैलकुलेट अपने को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि मकान का निर्माण जिस गत वर्ष में पूरा हुआ है उससे पहले का ब्याज कितना है, उस ब्याज की 5 किस्तें बना लो और 5 किस्तों में से पहली किस्त की छूट उसी गत वर्ष में दे देंगे जिस गत वर्ष में मकान बनके तैयार हुआ है। एक तो वो छूट दी अपन ने और दूसरी छूट है उस गत वर्ष का पूरा ब्याज। तो ये 2 तरह की छूट आप लोगों को देनी है। फिर अगला पॉइंट इसमें आता है भारत के बाहर ब्याज का भुगतान। अगर ब्याज का भुगतान भारत के बाहर किया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन भारत के बाहर चुकाया गया है, तो उसके ऊपर ये जरूरी है कि उद्गम स्थान पर कर काट लिया जाए, टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स। ब्याज का भुगतान करने से पहले उस पर जितना कर बनता है जो सरकार को देना होता है वो काट लिया जाए, TDS काट लिया जाए, और अगर TDS नहीं काटा जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज की छूट नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद में अगले पॉइंट में पुराने ऋण के भुगतान के लिए नए ऋण के ब्याज की कटौती। यदि इस आशय हेतु लिए गए पुराने ऋण, इस आशय का मतलब मकान के संबंध में, मकान के निर्माण के संबंध में या क्रय करने के संबंध में पुराने ऋण के भुगतान के लिए कोई नया ऋण ले लिया जाता है, तो नए ऋण का ब्याज है वो भी इस शीर्षक की आय में से घटाया जाएगा, चाहे नया इंटरेस्ट हो या पुराने वाला इंटरेस्ट हो और लोन के ऊपर है तो वो घटाया जाएगा। और लास्ट में एक पॉइंट है, यदि ब्याज की गणना दिनों के आधार पर करनी हो, यदि ब्याज की गणना दिनों के आधार पर करनी हो तो ऋण लेने का दिन, जिस तारीख को लोन लिया गया वो दिन गणना में शामिल होगा, जबकि जो लोन का रीपेमेंट करते हैं, पुनर्भुगतान करते हैं, वो पुनर्भुगतान करने वाला दिन उस गणना में शामिल नहीं होगा, ब्याज की गणना में शामिल नहीं होगा। अब उसके बाद में लास्ट में एक स्पष्टीकरण और अपन देख लेते हैं जो दिया हुआ है कि अपन ने ब्याज की जो कटौती है उसके संबंध में सीमाएं दे रखी हैं कि ब्याज की छूट कितनी दी जा सकती है। ये कुछ देर में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपने आ रहा है, लेकिन यहाँ ये बताया हुआ है कि किराए पर जो मकान उठाए गए हैं, जिनको अपन लेट आउट हाउस कहते हैं, LETOUT, लेट आउट हाउस कहते हैं, उनके संबंध में ब्याज की कटौती के लिए कोई सीमा संबंधी प्रतिबंध नहीं है। वैसे तो ब्याज के संबंध में कितने ब्याज की छूट दी जाए इसकी
सीमाएं लगा रखी हैं। मकान के निर्माण से पहले का जो ब्याज है उसकी बात नहीं है, बात तो यह है कि अधिकतम एक साल के लिए ब्याज के संबंध में छूट कितनी दी जाए, और वो छूट दे रखी है आजकल 2 लाख रुपए। तो ये अभी कुछ देर में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इसमें अपने कटौतियों में ये देखा है कि मुख्य रूप से 2 कटौतियां हैं जो आप लोगों को नेट एनुअल वैल्यू शुद्ध वार्षिक मूल्य में से करनी है, और उसमें एक अपने को मानक कटौती देनी है 30% किसकी, शुद्ध वार्षिक मूल्य की, और एक देना है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये 2 तरह की छूट दे देंगे, और देने के बाद में जो राशि आएगी वो कहलाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ब्याज की जो गणना है वो इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोग ब्याज की गणना करना अच्छे से सीख लें। बुक में थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, और ब्याज की गणनाएं भी दी गई हैं, तो आप लोग उनसे प्रैक्टिस कर लें। आज आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उदाहरण के रूप में, जो इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है पटेल चौधरी वाली बुक में। पहले एक बार मैं इसको पढ़ के इसका अपन खुलासा करते हैं। श्री बालकृष्ण ने 1 अक्टूबर 2017 को एक वित्तीय संस्था से जोधपुर में भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पर 15% की दर से ब्याज दे। भवन निर्माण का कार्य 30 जून 2019 को पूरा हुआ, 31 मार्च 2020 को संपूर्ण ऋण अदत था, परंतु ब्याज 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 20 तक की अवधि का ही अदत था। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए स्वीकृत ब्याज की अपने को गणना करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये लोन कब लिया गया। ये लोन लिया गया 1 अक्टूबर 2017 को, 1 अक्टूबर 2017 को लोन लिया, और भवन निर्माण का जो कार्य है वो पूरा हुआ 30 जून 2019 को। और 30 जून 2019 का मतलब है कि गत वर्ष कौन सा हुआ, गत वर्ष है 1920, यानी 1920 में, 1920 में ये मकान कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को अब ये देखना है कि जिस गत वर्ष में मकान कंप्लीट हुआ है, और जो कंप्लीट हुआ है 1920 में, तो 1920 के ब्याज की फ़िलहाल एक बार आपको गणना नहीं करनी है, आपको तो उससे पहले का ब्याज देखना है 1920 से। और पहले का ब्याज देखने के लिए आप 1 अक्टूबर 2017 से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो 2017 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने होते हैं, 17 के 3 महीने हो गए। फिर उसके बाद में 2018 आ गया, 2018 के 12 महीने हुए, 3 महीने पहले हो चुके, 12 महीने ये हो गए 18 के। और फिर उसके बाद में 19, और 19 में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने, 3 महीने हैं ये 18-19 के, 2018-19 के 3 महीने ये हो गए। तो 15 महीने वो थे, 3 ये हो गए, ये हो गए 18 महीने। जो मकान के निर्माण का जो कंप्लीशन हुआ है, मकान जब कंप्लीट हुआ है उससे पहले की अवधि है। मकान कंप्लीट हो गया किस गत वर्ष में, 1920 में कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को गणना जो करनी है वो 31 मार्च तक करनी है, 31 मार्च 19 तक शुरू करनी है, 1 अक्टूबर 2017 से, 1 अक्टूबर 2017 से लेके मार्च 31
2019 तक गणना करके मंथ देखने हैं, महीने देखने हैं कि कितने महीने हुए, और ये महीने होते हैं 18 महीने। तो 18 महीने का उसके बाद में अपन ब्याज देखेंगे, 18 महीने का ब्याज कितना होता है ये देखेंगे। तो इन्होंने 30 लाख रुपए का लोन लिया 15% की दर से, तो 30 लाख को 15% से अगर गुणा करते हैं तो 30 लाख इंटू 15% ये राशि आती है 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए ब्याज बनता है 1 साल का। तो अपने को अब ब्याज की गणना करनी है 18 महीने की। 18 महीने का मतलब 1.5 साल की, 1.5 साल की आपको गणना करनी है। तो गणना करेंगे 4,50,000 बटे 12,000 इंटू 18 से गुणा कर दो इसको, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 18। तो अब 18 महीने का ब्याज आ गया आपके पास में, 18 महीने का ब्याज आया है 6,75,000, 6,75,000 का ब्याज आ गया। ये है मकान के निर्माण के गत वर्ष से पहले का ब्याज, कुल ब्याज। इसकी 5 किस्तें बढ़ाते हैं अपन, तो 5 किस्तें बढ़ाने के लिए 6,75,000 को 5 से भाग दे देंगे, 6,75,000 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से भाग देते ही ये राशि आ गई 1,35,000। तो ये राशि हुई 1,35,000, जो पहली किस्त इसकी बनेगी 1,35,000, और उसकी छूट अपन जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ उसी में देनी है अपने को। और मकान तैयार हुआ है बन के 19-20 में, तो 19-20 में देंगे। तो एक तो मकान के निर्माण से पहले का जो ब्याज है वो उसकी पहली किस्त 1,35,000, और जिस गत वर्ष में वो कंप्लीट हुआ उस गत वर्ष से का ब्याज की छूट भी इसी गत वर्ष में मिलेगी। और वो ब्याज कितना, वो ब्याज है 30 लाख के ऊपर 15% की दर से 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000 और 1,35,000 को जोड़ दो आप लोग, तो ये राशि हो जाती है 5,85,000। 5,85,000 ब्याज की राशि है जो डिडक्टेबल है, जिसकी छूट मिलेगी इसी गत वर्ष में, जिस गत वर्ष में मकान का निर्माण पूरा हुआ है। तो इस तरह से ये आपके ब्याज की कैलकुलेशन आई है। और ब्याज के संबंध में अन्य बात जो महत्वपूर्ण है और आप लोगों को देखनी है वो ये है कि ब्याज की जो कटौती देते हैं अपन वो ड्यू होने के आधार पर ही दे दी जाती है। ब्याज अगर ड्यू हो गया तो कटौती दे देंगे, भले ही गत वर्ष में ब्याज का भुगतान किया हो अथवा नहीं। इंटरेस्ट का पेमेंट करदाता के द्वारा किया है या नहीं किया गया है इसका कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ेगा ब्याज ड्यू होते ही उसके आधार पर छूट दे देंगे। लेकिन ऐसा अपन नगर पालिका करों के संबंध में नहीं कर रहे थे, वहाँ पर अपन ने छूट दी थी केवल भुगतान के आधार पर। तो ये अंतर दोनों में करके देखेंगे। आज का जो आपका लेसन है जिसमें अपन ने देखा है वो खास रूप से आप लोगों को दो बातें देखनी है। एक तो शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियां दे रहे हैं, और दो ही तो कटौती दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन के दो भाग हैं, मकान के निर्माण से पहले का ब्याज, उसकी 5 किस्तें बना लो, और पहली किस्त उस गत वर्ष में देनी है जित गत वर्ष में मकान बन के तैयार होता है। और जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार होगा वहाँ दो तरह कि अब ब्याज की छूट दी जाएगी, मकान के निर्माण से पहले का ब्याज और इस गत वर्ष का।
जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ है उस गत वर्ष का ब्याज, ये दोनों को मिला के इसकी छूट दी जाएगी। और मकान के निर्माण से पहले का जो ब्याज है वो आगे के सालों में 4 किस्तों के रूप में और छूट दे दी जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर 5 किस्तों में छूट आप लोगों को देनी है। थैंक यू।